वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे बड़ी खबर। इंडिया न्यूज के पास सुशांत की डायरी के कुछ खास पेजेस मौजूद हैं। सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस पर एनसीबी की टीम पहुंची, छापेमारी हुई और वहां से एक ड्रीम डायरी मिली है, सुशांत की ड्रीम डायरी। सुशांत जिसमें अपने ड्रीम्स लिखा करते थे, भविष्य को लेकर परिकल्पनाएं थी, ऐसे में इस ड्रीम डायरी के कुछ पन्ने इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उन्हीं पन्नों की देख रहे हैं। इन पेजेस में ड्रीम डायरी के पेज हैं ये, जिनमें अपने ड्रीम्स का यानी कि सपनों का जिक्र है। साथ ही साथ सुशांत ने नो स्मोकिंग जैसे शब्द भी अपने नोट्स में लिखे हैं। मतलब साफ है कि सुशांत 2018 में लिखी इस डायरी में स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे। सुशांत ने डायरी में कई अहम बातें लिखी हैं। पावना फार्म हाउस पर ये सुशांत के नोट्स मिले हैं, सुशांत की ड्रीम डायरी मिली है 2018 की, ये बताई जा रही है। सुबह 2:30 बजे उठना चाहते थे सुशांत, ये भी उनकी ड्रीम डायरी में लिखा हुआ है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे, ये उन सब कयासों पर एक तरीके से करारा तमाचा है जो कहते रहे कि परिवार के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। सुपरमैन टी से लेकर गोल्ड शावर तक उन्हें करना था, ये कुछ कोड वर्ड्स जो उनके जरिए लिखे गए। कृति सेनन के साथ समय बिताना चाहते थे। इस समय सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री नहीं हुई थी और जो हसीन सपनों का जिक्र सुशांत की डायरी से मिलता है वो इस डायरी से भी मिला है। सुशांत दूरदर्शी सोच वाले थे, सुशांत अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते थे, कृति सेनन के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते थे। सुपरमैन टी से लेकर गोल्ड शावर तक उन्हें करना था, ये उनकी ड्रीम डायरी में मौजूद था। भौगोलिक घटनाओं को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है, बातें लिखी हैं, साथ ही साथ नेविगेशन में किस तरीके से ग्रहों की चाल मौजूद रहती है, ग्रहों का इस्तेमाल होता है, ये भी उन्होंने अपनी इसी डायरी में जिक्र किया है। आप समझिए कि ऐसा इंसान जो हर चीज के बारे में जानकारी रखता था, नॉलेज रखता था, रुचि रखता था और बहुत ही सोच समझकर भविष्य में कदम उठाता था, जो पहले से ही तय कर लेता था कि मेरे इस साल के क्या क्या ड्रीम्स रहने वाले हैं, क्या क्या वो अचीवमेंट्स हैं जो मुझे हासिल करनी है, काम के लिहाज से, अपने अभिनय के लिहाज से, अपने परिवार के लिहाज से, ये वक्त वक्त पर अलग अलग बातों के जरिए सामने आता रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े हुए कई सबूत सामने इसी तरीके के आते हैं। अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे तो जो मौजूदा वक्त में वीडियोस रिया चक्रवर्ती के साथ आ रहे हैं उन्हें देखकर क्या ये वाकई समझा जाए कि रिया चक्रवर्ती ही नशे की दुनिया में ढकेल रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, रिया चक्रवर्ती ने ही क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की लत लगाई? क्योंकि 2018 में जो इंसान अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता था, जो नो स्मोकिंग अपनी डायरी में लिख रहा था, स्मोकिंग छोड़ना चाहता था, वो ड्रग्स के नशे में आखिर कैसे पहुंच जाता है, वो ड्रग्स से आखिर कैसे घिर जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं ऐसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, ये डायरी बहुत कुछ कहती है, सुशांत अब हमारे बीच नहीं है अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन ये जो वक्त वक्त पर अलग अलग डायरीज, अलग अलग डायरीज के पेजेस हैं, ये बता रही हैं कि सुशांत कम से कम सुसाइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते और नो स्मोकिंग भी ये दर्शाता है कि वो स्मोकिंग तक से बाहर निकलना चाहते थे। नशा और ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। अब बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए यह साफ समझ में आता है कि जिस तरीके से, देखिए जो भी सुशांत को जानते थे, जितने भी जो सुशांत को नहीं भी जानते थे कहूं अगर मैं, वह लोग भी इस बात को मानते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके देखिए लगातार एक के बाद तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, यह साफ समझ में दिखाता है कि सुशांत ने आत्महत्या की ही नहीं है, वह लगातार इस बात पर इशारा कर रहा है कि सुशांत की हत्या की गई है। और यही वजह है कि जितने भी सबूत जो भी अब तक हमारे हाथ लग रहे हैं, यह सभी उस ओर ले जाते हैं कि किसी भी सूरत में सुशांत की हत्या ही हुई है। और यह हत्या किस तरीके से हुई है, क्या वह ड्रग देकर की गई है या वास्तव में गला दबाकर मारा गया है, यह जरूर एक जांच का विषय है। सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई अपने अंतिम जब पहुंचने वाली है, कभी भी इसका बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन देखिए जो डायरी हमारे हाथ लगी है, उस डायरी के मुताबिक साफ समझ में आता है कि वह सुशांत जो इस दुनिया को छोड़ना चाहता था, यानी इस दुनिया, यानी अगर उस दुनिया की बात कर रहा हूं, यानी जो वह स्मोकिंग किया करते थे, वह स्मोकिंग की दुनिया को छोड़ना चाहते थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम
स्मोकिंग नहीं करना चाहता हूं। वह अपने दिनचर्या मेंटेन कर रहे हैं, वह लिख रहे हैं कि 2:30 बजे मुझे उठना है, वह लिख रहे हैं कब मुझे चाय लेना है, वह लिख रहे हैं कब मुझे नहाना है। यानी इन तमाम बातों का लिखते हुए आदमी, और वह साफ साफ यह भी लिख रहा है कि नासा की बात लिख रहे हैं, वह नीति आयोग की बात लिख रहे हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग की बात लिख रहे हैं, और इतना शार्प आदमी, इतना तेज बुद्धि का आदमी इस तरीके का अगर वो कदम उठाए, यह वास्तव में हर किसी के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। और यही कारण है कि जितने भी लोगों से हम मिल रहा हूं, जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, वह सभी के सभी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यह सुसाइड नहीं है। आप तो यकीन मानिए कि जो जो सुशांत को जानते हैं वह तो जाहिर सी बात कह रहे हैं कि नहीं, वह आत्महत्या नहीं कर सकता है। लेकिन जो नहीं जानते हैं आप उनकी सुनिए, वह भी मानते हैं कि नहीं, सुशांत जैसा आदमी आत्महत्या कर नहीं सकता, यह बहुत बड़ी साजिश है और यह बड़े लोगों को बचाने का पूरा एक प्रयास चल रहा है। और बड़े लोग कौन है, यह तमाम नामों खुलासा लगातार हो रहा है, वह हालांकि सीबीआई बताएगी, लेकिन यह साफ है। अगर हम इन पन्नों की बात करें तो यह साफ समझ में आता है कि सुशांत अपनी जिंदगी को और अच्छे जीना चाहते थे और खुशियां बटोरना चाहते थे, लोग खुशियां बांटना चाहते थे, बजाय इसके कि वो आत्महत्या गले लगाए। और सबसे बड़ी बात अभिषेक की, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग वाले सुशांत लगते हैं, अपने वीडियोस के जरिए भी, अपनी डायरी के जरिए भी। प्रीति सोमपुरा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, डायरी का एक एक पन्ना, एक एक अक्षर ये इशारा कर रहा है कि सुशांत बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान थे, पॉजिटिव शख्सियत थी उनकी। बुराइयों जैसे स्मोकिंग, इसे छोड़ना चाहते थे, वो परिवार जिसके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते थे, हालांकि दावे अलग अलग तरीके से किए गए। रिया ने तो ये तक कह दिया कि परिवार से बनती नहीं थी। 2018 में जब रिया उनकी जिंदगी में दाखिल होती है, तब से ही डिप्रेशन, तब से ही ड्रग्स, तब से ही नशे की लत। डायरी के 55 पेज है, ना सिर्फ 4 और 5 बल्कि 55 पेज है डायरी के, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में। इस डायरी के पेज पे देखे तो साफ तौर पे लिखा जाता है कि जिस तरीके से उसने डायरी के पेज पे लिखा है, ये जो है 2017 की डायरी में उसे लिखा है कि उसके सपने क्या क्या थे, ना सिर्फ इतना ही, सपने को किस तरीके से साकार करना है। इसके अलावा उसने एक आईलैंड पे जाने की भी बात की है। ये डायरी जो है वो 2017 की है, जिसमें उसने आईलैंड पे जाने की बात की है, नेविगेशन की बात की है। वहां पे ये भी कहा है कि रात को 4 बजे जो है उस आइलैंड पे जाके मुझे तारों को देखना है। यानी कि किस तरीके से जो है अपने सपने को पूरा करने के लिए सुशांत सिंह ने 2017 में जो है ये डायरी लिखी थी, और उसके पूरे 55 पेज जो है हमारे पास में है। और साथ में उसने ये भी लिखा है कि ये तारे जो हो गए वो किस आधार पे हो गए, किस दिशा में हो गए, उसकी भी उसने जो है जानकारी इस डायरी में लिखी है। इससे साफ है कि सुशांत जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकते, और यही कारण है कि उसके आसपास के जितने भी दोस्त थे उनका भी यही मानना है कि जिस तरीके की शख्सियत थी उस तरीके की व्यक्ति जो है कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, और अलग अलग वक्त पर अलग अलग ऐसी कई बातें, अलग वीडियोस, अलग दोस्त, रिश्तेदारों के जरिए दावा किया भी जा रहा है, और ये तमाम बातें ये संकेत दे रही हैं, ये इशारा दे रही हैं कि कम से कम सुसाइड तो नहीं कर सकता सुशांत सिंह राजपूत। आप 55 पन्नों का आप जिक्र कर रही हैं प्रीति, और पेजेस में क्या क्या है अगर आप देख पाई हो? देखिए, पूरे 55 पेज जो है हमारे पास में है, और इस पूरे जो पेज है उसमें पूरी उसने अपनी कहानी लिखी है। 2017 से लेकर 2018 तक की ये डायरी है, और इस पूरे डायरी में जो है उसने यही लिखा है कि किस तरीके से जो है उसको अपनी आगे की योजना बनानी है। इसमें उसने जो है फिल्म केदारनाथ की कहानी भी जो इसमें लिखी है, साथ में ही सारा के साथ के जो उसके रिलेशंस थे उसके बारे में भी उसने लिखा है कि किस तरीके से जो है वो दोनों साथ में जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि ये जो डायरी के कुछ पन्ने जो है उसने पावना के फार्म हाउस में लिखे थे, और इसके अलावा ये जो डायरी जो मिली थी उसके पावना के फार्म हाउस से मिली थी। यानी कि जब भी वो पावना के फार्म हाउस में जाते थे तब सुशांत इस डायरी में लिखा करते थे। और कई बार शांति और सुकून ढूंढने के लिए भी पावना फार्म हाउस जाते थे। अभिषेक, ये भी जानकारी हमने पिछले दिनों देखी थी, शांति और सुकून में जब कोई इंसान पहुंचेगा तो अपने मन की बात लिखेगा, पॉजिटिविटी ढूंढेगा, पॉजिटिविटी में जाने की कोशिश करेगा, वही ये डायरी के पन्ने दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। कृति सेना उनका जिक्र भी है, उनके साथ भी अच्छा टाइम बिताना चाहते थे सुशांत।
बिल्कुल, देखिए तमाम बातों का जिक्र है रचना, और यही वजह है कि उन तमाम चीजों को, इसे मैं लगातार बता रहा हूँ कि उन तमाम हसीन पलों को जीना चाहते थे सुशांत। वह कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वह डिप्रेशन में जाएं, वह कभी भी चाहते नहीं थे कि मौत को गले लगाएं। आपको देखिए कुछ डायरी के पन्नों को पढ़ के अगर मैं बताऊं दर्शकों के लिए जो हमारे हाथ में इस वक्त मौजूद है, देखिए इसमें वह एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, यानी किस तरीके से वह आध्यात्मिक भी थे और कैसे वो पूजा पाठ किया करते थे, इसका भी जिक्र अगर हम कहें, इसको सोचें तो कबीर का दोहा लिखते हैं। कबीर के दोहे में लिखते हैं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। यानी कबीर को, यानी हरी को, यानी हरी का मतलब सभी को पता है साक्षात भगवान विष्णु। और किस तरीके से उन कबीर के दोहों को अपने डायरी में लिख रहे हैं, इतना ही नहीं बल्कि आगे वो लिख रहे हैं, अगर रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट अंटिल द मीन इट, यानी तमाम इंग्लिश, अगर हम और हिंदी की बात करें जो लिखा उन्होंने, तुम मेरे पास होते तो क्या होता जब कोई दूसरा नहीं होता, या मोबिन करके कोई है उनके हवाले से लिखा गया है। लेकिन देखिए जो पहला जो पेज मैं बताऊं आपको, देखिए जो हमारे हाथ में है वह देखिए उसमें साफ साफ लिखा है किस तरीके से वह काफी पॉजिटिव वाली बात लिख रहे हैं। उसमें साफ साफ लिख रहे हैं, देखिए देयर इज नो राइट क्वेश्चन, देर इज ओनली बेटर क्वेश्चन। यानी आप समझिए क्या इसका बड़ी मीनिंग है कि देर इज नो राइट आंसर, देर इज नो क्वेश्चन, यानी किस तरीके से वो पॉजिटिव वाली बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए आगे वो लिख रहे हैं, आगे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, बाद में ब्लिस लिख रहे हैं, बाद में करेज की बात कर रहे हैं, बाद में ब्रिलियंस की बात कर रहे हैं, बाद में डिवाइन की बात कर रहे हैं। यानी उनके जिंदगी में किस तरीके से तमाम चीजें घर कर चुकी थी, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। इतना ही नहीं, आप देखिए कि अगर इसमें अगर हम नासा की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, एनालिसिस की बात करें, देखिए एक्सपीरियंस लिखते हैं और बाद में उसी को ड्रॉ करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे अपने एक्सपीरियंस को और एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि देखिए अगर उनके और आगे पन्नों में जाएं तो वह नासा की बात करते हैं, नासा प्लस सुशांत प्लस एजुकेशन, ये इसकी बात करते हैं। अगर हम नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग प्लस आगे की बात करते हैं, यानी सेल्फ मेंटेन की बात करते हैं, यानी तमाम इन चीजों का उन्होंने जिक्र किया हुआ है जो आज हर कोई उनके बारे में कहता है। अगर मैं एक और पन्ने पे जाऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है, जिसपे कह रहे हैं कि ढाई बजे उन्हें उठना है, जो लिख रहे हैं वो ढाई बजे उठना है, कब उन्हें सुपट्टी लेना है, कब उन्हें बात लेना है, ये सभी कुछ डायरी के पन्नों में दर्शाया गया है, यानी लिखा है, खुद उनके हैंडराइटिंग में लिखा गया है। और वह शख्स अगर जिस तरीके से जो डायरी मेंटेन करने वाला आदमी होता है, अगर वो सुसाइड करता है, आप यकीन मानिए कि वो सुसाइड करने वाला आदमी तो जरूर डायरी में लिखता, जरूर सुसाइड नोट लिखता। और यही कारण लगातार खड़ा हो रहा है कि जो आदमी लगातार डायरी मेंटेन करने वाला आदमी हो, जो डायरी के पेजेस हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कोई सामान्य बुद्धि वाला इंसान हो, मतलब कोई सब्जेक्ट कोई विभाग ऐसा लगता नहीं जो सुशांत से अछूता रह गया हो। प्रीति, डायरी के पेजेस वक्त वक्त पर गवाही देते रहे हैं, उनकी हैंडराइटिंग, उनके ख्याल, उनके थॉट्स, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, ये वक्त वक्त पर बताती रही है कि सुशांत कितना ज्यादा मेहनती, कितना ज्यादा संघर्ष करने वाले, फ्यूचर को प्लान करने वाले शख्स थे। कम से कम ऐसा इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। और ये तमाम बातें अगर हम मैच करें तो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे जो जानकारी देती रही सुशांत को लेकर, लगभग वैसे ही सुशांत डायरी के पेजेस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2018 में जब रिया चक्रवर्ती की एंट्री हो जाती है, उसके बाद के सुशांत कुछ और नजर आते हैं। क्या ये संभव हो सकता है कि अंकिता के वक्त पर, मतलब रिया की एंट्री से पहले सुशांत ऐसे रहे हों, लेकिन रिया की एंट्री के बाद ड्रग्स की, नशे की लत में पहुंच गए हों, डिप्रेशन में चले गए हों? देखिए, बात करें तो अंकिता के साथ जब उसका रिलेशन था, उसके बाद में जो है दो और लोग उसकी जिंदगी में आए उसके ब्रेकअप के बाद, उसमें से एक ही सारा अली खान। जैसे सारा अली खान के बारे में तो ये भी आ गया है कि दोनों साथ में ड्रग्स लेने के लिए पावना के आइलैंड पे जाते थे। और अगर बात करें डायरी की, तो डायरी में जिस तरीके से उन्होंने कलरफुल स्केच पेन का इस्तेमाल किया है, जो 55 पेज हमारे पास में, उसे साफ तौर पर जो हमने जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट रमेश तोसनीवाल से इसको पन्ने को दिखाया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है परफेक्शनिस्ट थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक डायरी में जिक्र किया है, उससे साफ तौर पे जो है उनका जो एनालिसिस है यही कहता है वो काफी परफेक्ट जो है, जो भी प्लान करते थे उसको अमल में लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काफी कोशिशें करते थे। जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि कई सारे लोगों का जो स्टेटमेंट आया है उसमें आया है कि 2017 से ही जो है सुशांत सिंह जो है वो ड्रग्स लेते थे, और साफ तौर पर जो आया है वो MDMA ड्रग्स और हसीस भी लेते थे, गांजा भी लेते थे। और ये भी अभी जो नाम सामने आ रहा है वो सारा अली खान का नाम भी इसमें आ रहा है।
मतलब प्रीति सोमपुरा बता रहे हैं कि डायरी के पेजेस जिस दौरान लिखे गए हैं उस दौरान सारा अली खान उनकी जिंदगी में थी, इन्हीं डायरी के पेजेस में कृति सोनम का भी जिक्र हो रहा है। हो सकता है कि जिस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही हो, जिस वक्त जिसके ज्यादा टच में रहे हों उसके बारे में सुशांत अपने ख्याल लिखते हों, उनका जिक्र करते हों। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुरजीत सिंह राठौड़ फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपने बहुत बड़ा खुलासा किया था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, रिया चक्रवर्ती डेड बॉडी के पास पहुंची, सॉरी बाबू कहा था, एक तरीके से माफी मांगी थी। मुझे बताइएगा जो अभी तक की जांच चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है, एम्स की टीम लगातार उस पर काम कर रही है, आपको कितनी उम्मीद है कि जांच ठीक दिशा में जा रही है और सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा? सुरजीत जी आवाज बढ़ रही है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी है, कुपुर हॉस्पिटल को जो क्लीन चिट दी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो जब मैंने न्यूज चैनल पे आके कहा था कि रिया चक्रवर्ती साथ मोचरी में गई थी और मैं जब मौजूद था तब उसने सॉरी बाबू बोला, सुशांत का पार्थिव शरीर उसने देखा था, उन लोगों ने मेरे बयान क्यों नहीं लिए? कैसे मेरे से बिना पूछे, मेरे कोई स्टेटमेंट लिए बिना उन्होंने क्लीन चिट दे दी? जब मैंने ये कहा मैं अंदर गया हूँ हॉस्पिटल में जहाँ मोचरी में रिया को मैं लेके अंदर गया हूँ, मैंने खुद बॉडी को देखी है, बॉडी देखने के बाद में मैंने खुद पर्दा हटाया, मेरे साथ मोचरी का स्टाफ अंदर गया है, ऐसे कैसे उन्होंने क्लीन चिट दे दी उसको? अच्छा, आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है दबाने में लगे हुए हैं ये लोग। सुरजीत जी आप कह रहे हैं कि आपसे किसी ने कोई बयान नहीं लिया, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की अब तक इस मामले पर? जी आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में ये खुलासा करने के बाद से आपसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट नहीं किया गया, कैसे मानवाधिकार आयोग ने उनको क्लीन चिट दे दिया? मेरे से पूछना चाहिए, उन लोगों ने क्यों नहीं पूछा, मेरे से संपर्क करना चाहिए। मैं खुद मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले कहा, हम वहाँ उस हॉस्पिटल में भी जाके आए थे जहाँ मोर्चरी के बाहर रोड पे हम मैंने बताया उनको, जो ग्राउंड जीरो से हमने बात की, मैंने बताया जो ये रिया चक्रवर्ती ने कह रही है कि मैंने सब को बाहर वेटिंग एरिया में मैंने देखा है, वहाँ वेटिंग एरिया में वो थी नहीं, वेटिंग एरिया में होती तो सारे न्यूज वाले वहीं पे थे, सारे पुलिस वाले वहीं थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने निजी चैनल पर जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा था, सुनिए ना, सॉरी बाबू को लेकर जो सवाल पूछा गया उनसे उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि जब कोई गुजर जाता है तो उसके पांव छूकर सॉरी बोला जाता है, और ये भी हो सकता है ना कि सॉरी इसलिए बोला गया हो क्योंकि वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, फोन नहीं उठा रही थी, कॉल ब्लॉक कर दी थी। ये भारतीय संस्कृति में ये भी है कि जो इंसान चला जाता है तो फिर सच बोल दो, तुमने उसके साथ गलत किया वो सच बोल दो। आपको क्या लग रहा है, क्या किया है? देख रही है सुशांत की आत्मा, उसने ये झूठ क्यों बोला कि मैंने तो बाहर देखा, मैंने तो जब बॉडी वेन की तरफ जा रही थी तब मैंने सब देखा, ये झूठ क्यों बोला उसने? उसको सच बोलना चाहिए कि मेरे साथ सुरजीत सिंह जी थे वो अंदर गए, मैंने मोर्चरी के अंदर डीप फ्रीज को बाहर स्टाफ के लोगों ने डीप फ्रीज से सब को निकाला तब हमने देखा, ये झूठ क्यों बोला उसने? सिर्फ इतना बोल दिया सॉरी बाबू मैंने बोला, वो गलत थी जिसके सजा आज भुगत रही है। चलो ड्रग्स के अंदर वो जेल में चले गई तो वो जल्द ही सुशांत के मर्डर में भी जेल में जाएगी वो। आपको क्या लग रहा है, क्या गलत किया है रिया चक्रवर्ती ने? रिया चक्रवर्ती गलती की है, सब गलती किया उसने, क्यों छोड़ के वो चली गई? ड्रग्स कौन देता था सुशांत को? आज एक डायरी आपके माध्यम से मुझे पता चला, आज एक डायरी उसके फार्म हाउस से मिली है जिस डायरी में वो बंदा कह रहा है कि नो स्मोकिंग, मुझे स्मोक से दूर रहना है, वो बंदा ड्रग्स कैसे ले सकता? लेकिन रिया कह रही है, लेकिन रिया कह रही है कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे, सुशांत को कोई समझा नहीं सकता था। रिया कह रही है कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे के लिए मना कर रहा है, वो ड्रग्स के लिए बात कैसे कर लेगा? जो नासा में जाने की बात करता है वो ड्रग्स की कैसे बात कर लेगा? ये सरासर गलत है। जो रिया है वो रिया ही उसको ड्रग्स देती थी, उसने उसको आदि बनाया, वो चाहती तो उसको रोक भी सकती है, मान लीजिए अगर वो लेता होगा तो रोक भी सकती थी ना, क्यों नहीं रोका उसने?
क्यों नहीं रोका उसको? जब आप प्यार के रिश्ते में होते हो तो समझाने की कोशिश होती है। हालांकि यही सवाल जब पूछे गए थे रिया चक्रवर्ती से तो रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि सुशांत अपनी मर्जी करते थे, किसी की सुनते नहीं थे, उनसे कई बार ड्रग्स छोड़ने के लिए कहा गया था लेकिन ड्रग्स नहीं छोड़ी। लेकिन फिर सवाल रिया पर उठता है कि रिया तो खुद ड्रग्स लेती थी, रिया के भाई, रिया के पिता भी ड्रग्स लेते थे, ये भी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सुजीत जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।